In this video, we are going to study about the drug-excipient interaction. Drug, what is the drug? Drug is the active pharmaceutical ingredient that we use for the formulation of a dosage form. ठीक है, drug क्या है? कोई भी ऐसा chemical है, जैसे हमारी Dolo की tablet आती है, ठीक है, तो Dolo की जो tablet है, वो हमारी dosage form है, मतलब एक tablet है पूरी. उसमें क्या होता है active pharmaceutical ingredient? पैरासीटामोल. तो पैरासीटामोल क्या है? हमारी ड्रग है. अब हम सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, मैं हम टैबलेट की ही बात कर रहे हैं, तो जो हमारी टैबलेट है उसमें जो पैरासीटामोल है वो तो हमारी 2% ही रहेगी, 2% 3%, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है. ठीक है, तो उसके अलावा जितने भी सारे इन्ग्रीडियंट्स हम यूज़ करते हैं वो सारे हमारे होते हैं एक्सीपिएंट्स. ठीक है, हम कुछ बाइंडिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनर्स, इस तरह के हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारी इनर्ट होंगी. ठीक है, जो हमारी ड्रग है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एक्सीपिएंट्स. ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा ड्रग है वो क्या है? हमारा API या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट. तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा रहना चाहिए, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी. सबसे पहले, व्हाट इज एन एक्सीपिएंट? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इट इज एन अनएक्टिव सब्सटेंस. अनएक्टिव मतलब इनर्ट. अनएक्टिव होना इसका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमारा खुद का एक्सीपिएंट ही हमारे ड्रग के साथ जाकर रिएक्ट करने लगेगा डोजेज फॉर्म में, तो उसका तो फार्माकोलॉजिकल रिएक्शन ही ऑल्टर हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स वाई जो हमारा एक्सीपिएंट है इट शुड बी इनर्ट. दैट सर्व्स एज द व्हीकल और मीडियम फॉर अ ड्रग एंड अदर एक्टिव सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एन एक्सीपिएंट. ठीक है, हमारी ड्रग और API ड्रग या फिर जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है एंड एक्सीपिएंट मिलाकर ही क्या बनती है? हमारी डोजेज फॉर्म. नाउ ड्रग एक्सीपिएंट इंटरेक्शन रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट फेज इन ड्रग डेवलपमेंट. तो जो हमारा ड्रग और एक्सीपिएंट का इंटरेक्शन है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ड्रग डेवलपमेंट में, या फिर कोई जो नई डोजेज फॉर्म है उसे हमें बनाना है रिसर्च में, रिसर्च एंड मेथडोलॉजी में. नाउ एक्सीपिएंट्स हाउएवर आर फार्माकोलॉजिकली इनर्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, कैन अंडरगो सेवरल अनवांटेड केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल इंटरेक्शन विद ड्रग सब्सटेंस अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस. इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी डोजेज फॉर्म होती है उसकी हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं कि टाइम के साथ ऐसा तो नहीं है कि कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं जिसकी वजह से जो हमारा एक्सीपिएंट्स हैं जिनको एक्चुअल में इनर्ट होना चाहिए वो किसी तरह का कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने लगे. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टेबिलिटी स्टडीज़ होती हैं वो कंडक्ट करवाते हैं. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग एक्सीपिएंट इंटरेक्शन? इट टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ डोजेज फॉर्म. ये जो क्या होता है, ये हमें किसके बारे में बताते हैं, जो हमारी डोजेज फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी प्रोफाइल के बारे में. इट ब्रिजेस ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट. ये हमें जो हमारी ड्रग की डिस्कवरी है, ब्रिजेस मतलब उनके इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक लिंक का काम करता है, जो हमारी ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस है. और हम डेवलपमेंट मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमारी जो हमारी फॉर्मुलेशन, हम डोजेज फॉर्म हम बना रहे हैं एक ड्रग के बारे में पता करने से लेकर एक डोजेज फॉर्म के डेवलपमेंट तक के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है. इट इज़ एसेंशियल इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग सबमिशन. इट इज़ एसेंशियल इन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग सबमिशन. ठीक है, जो हमारा IND होता है, जब सबसे पहले क्या रहता है कि हम ड्रग के बारे में पता करते हैं, फिर हम उस ड्रग से एक डोजेज फॉर्म बनाते हैं, फिर उसके बाद हम ऐसा तो नहीं है कि हमने सिर्फ डोजेज फॉर्म बना ली और बस हो गया. हम उसको, उस डोजेज फॉर्म को हमें मार्केट में लाने से पहले बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं. हमें न्यू ड्रग एप्लीकेशन देनी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग सबमिशन करना होता है. तो उसके लिए जो हम उसके ये जो हमारा सबमिशन होता है उसके लिए भी हमें ड्रग एक्सीपिएंट इंटरेक्शंस दिखाने पड़ते हैं. ठीक है, इट हेल्प्स टू अवॉइड सरप्राइज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन प्रोसेस. ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके बारे में हमें पता नहीं है, सरप्राइज प्रॉब्लम्स जिन्हें हम बोल रहे हैं, उनके बारे में पता करने के लिए भी, उन्हें अवॉइड करने के लिए भी वी स्टडी अबाउट द ड्रग एक्सीपिएंट इंटरेक्शन. नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्सीपिएंट इंटरेक्शन? द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्सीपिएंट इंटरेक्शंस आर फिजिकल केमिकल एक्सीपिएंट इंटरेक्शन, केमिकल ड्रग एक्सीपिएंट इंटरेक्शन, फिजियोलॉजिकल एंड और बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग एक्सीपिएंट इंटरेक्शन. अब हम इन सारे मैकेनिज्म्स को डिटेल में देखेंगे इन द कमिंग वीडियोज़.